नमस्कार, C20 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बनवारीलाल कुशवाहा। देखते हैं आज की कुछ। प्रतापगढ़ के महेशगंज थाना में जहां न्यायालय के आदेश पर पुलिस और आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 करोड़ की अवैध शराब नष्ट कराई गई। आपको बता दें कि बीते 2021 के अप्रैल महीने में पंचायत चुनाव के पहले पकड़ी गई भारी मात्रा में अवैध शराब और अवैध रूप से संचालित फैक्ट्री आरोपियों के खिलाफ स्थानीय प्रशासन द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। कुर्की न्यायालय के आदेश पर आज गठित टीम न्यायिक मजिस्ट्रेट SDM सदर, JM कोर्ट CO सदर, फूड इंस्पेक्टर, आबकारी इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी, हथगवां और फायर सर्विस टीम की मौजूदगी में नष्ट कराई गई, जिसकी कीमत करोड़ों में आंकी गई थी। तो देखते रहिए प्रतापगढ़ से विनय कुमार कनौजिया की एक खास रिपोर्ट। बीते पंचायत चुनाव में जो है लगभग 12 करोड़ रुपए की शराब कुंडा से पकड़ी गई थी और आज उसको जो है कोर्ट के आदेश पर डिस्ट्रॉय किया गया है। सर, क्या है मामला और कितने की शराब आपके द्वारा डिस्ट्रॉय की गई? देखिए, ये 2021 में पंचायत चुनाव से पहले अप्रैल में एक 12 करोड़ रुपए की शराब और इसमें यंत्र जिसमें कि पूरी तरह से अवैध रूप से संचालित फैक्ट्री बरामद हुई थी। इसमें अभियोग पंजीकृत किए गए थे और मुलजिम जेल में गए थे। गैंगस्टर अभियोग के अंतर्गत उनकी 14(1) के अंतर्गत संपत्ति की कुर्की भी स्थानीय प्रशासन द्वारा की गई थी। इसी क्रम में माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त करके आज एक कमेटी के द्वारा वो जो पूरी शराब थी उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। जितने भी उपकरण थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। इसमें 34,800 लीटर स्पिरिट और करीब 2200 लीटर शराब थी। इसमें 1,00,000 शराब की खाली बोटल्स थी। इसमें करीब 1,30,000 ढक्कन थे और लाखों की संख्या में रैपर्स थे और बोटलिंग मशीनें थी। तो ये पूरी की पूरी जो एक अवैध रूप से संचालित फैक्ट्री थी, इसके नमूना लेके और उसके बाद में कमेटी के समक्ष इन सब को डिस्ट्रॉय किया गया। कमेटी में कौन कौन लोग शामिल? देखिए, इसमें एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और आबकारी विभाग से, पुलिस विभाग से, खाद्य विभाग से सभी कर्मचारी थे और सभी स्वास्थ्य और एनवायरनमेंट संबंधित विषयों का ध्यान रखते हुए इसका डिस्पोजल आज सुनिश्चित किया गया। सर, कैसे डिस्पोज किया गया? देखिए, इसमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें थी। बॉटल्स थी उनको क्रश किया गया है, गत्ते हैं उनको क्रश किया गया है, जो स्पिरिट थी उसको ज़मीन के अंदर डंप किया गया है और जितने भी अधिकारी कर्मचारी उसमें लगे हुए थे उनके द्वारा भी अपने आप को सुरक्षित रखते हुए इन सारी चीज़ों का डिस्ट्रॉय किया गया। इसमें फायर टेंडर भी लगे थे, इसमें एम्बुलेंसेस की भी व्यवस्था की गई थी। क्या विस्फोट होने की संभावना? देखिए, क्योंकि ये ज्वलनशील पदार्थ है और ये बड़ी जल्दी आग पकड़ सकते हैं, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर प्रकार की प्रिकॉशंस पूर्व से ही लेके चलें।